मन की बात कार्यक्रम के 52वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संबोधन के कार्यक्रम का प्रसारण सोलन के नगर परिषद हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद वीरेंद्र कश्यप ने विशेष रूप से भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में सांसद वीरेंद्र कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ सोलन भाजपा मंडल व बाजुमो के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल के दुर्गम क्षेत्र लाहौल स्पीति का जिक्र करते हुए हिमाचल में जागरूक मतदाता की तारीफ की। वहीं हिमाचल के विद्यार्थी एवं बेटे अंशु शर्मा की भी सराहना की, जो प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम के 52वें संस्करण के संबोधन के कार्यक्रम का प्रसारण सोलन के नगर परिषद हॉल में किया गया था। इस कार्यक्रम से देश की जनता को बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से ज्वलंत समस्याओं को प्रधानमंत्री सबके समक्ष रखते हैं। आज ये बुंजुमा जो है एपिसोड मन की बात का था, बहुत ही प्रेरणादायी बातें जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के समक्ष रखी है। चाहे वो हमारे सुभाष चंद्र बोस के बारे में हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हो, या अन्य बातों पर जो है वो आज यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल का कार्यक्रम सोलन में म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में जो है वो आयोजित किया गया था। और इसमें हमारे सोलन के सभी वार्डों से प्रमुख कार्यकर्ता और जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं और दूसरी संस्थाओं के लोग भी इस कार्यक्रम में जो है वो उपस्थित रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस मन की बात के माध्यम से बहुत से जो इस प्रकार के इश्यूज़ हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं या जो मौके की बात है, उसके माध्यम से जनता की बात को जो है वो प्रधानमंत्री जी रखते हैं। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।